पकड़ के दिखा दो मम्मी, ये पकड़ के दिखाना। बस उड़ गया। चलो गाइस, अब दोपहर हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से अभी हमने खाना नहीं खाया। चाय बना के पी ली थी यहीं पे, चाय और रसफैन वगैरह खा लिए थे। तो बच्चे और ये आगे चले गए हैं, आगे गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा इतने में ताला लगा के हम आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं। खाने में हमने लिए कढ़ी और दाल लिए, रोटियाँ लिए, सैंड को रायता खाना है। रायता चाहिए, बैठा। गाइस अभी हम आए हैं शंकर जी के मंदिर श्री बिल्केश्वर द्वार। एंट्री करते हैं यहाँ पे, पेड़ है पीपल का, एक इस साइड है। धूप बहुत हो रही है, गर्मी से पैर जल रहे हैं। तो गाइज अब मंदिर से निकल के इस साइड कुंड है, अब उधर की तरफ जा रहे हैं। हनुमान मंदिर है पर इसमें जाने की जगह नहीं है। वो मंदिर पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। बस यहाँ जो ये मंदिर है इसके बारे में ना मैं पंडित जी से पूछ रही हूँ, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। महाराज जी बोल, तो गाइस पंडित जी नहीं बोलते, महाराज जी बोला जाता है, तो वो महाराज जी आपको बताएंगे। तो बस जहाँ के बारे में बता रहे हैं, ये अंदर है मंदिर, तो महाराज जी आप बता दीजिए। ये गौरी कुंड है, यहाँ पे गौरी माता स्नान करती थी शिव जी को पाने के लिए जी। तो जब कई जगह उन्होंने तपस्या की तो भोले बाबा नहीं मिले, तो नारद जी के कहने पर वो यहाँ पे तपस्या करने आए थे। किसी माता के संतान नहीं होती है, किसी बच्चा बच्ची की शादी नहीं होती है, शरीर में कोई रोग है या एक्स वाई जेड कोई भी मनोकामना है, जो भी व्यक्ति जो भी माता बहन यहाँ 5 रविवार स्नान करती है उसकी मनोकामना पूरी होती है।
तो महाराज जी ने बताया यहाँ कि इसलिए ये मंदिर है, तो आप लोग भी आ सकते हो, आओ दर्शन करो, और कोई मन में मन्नत है तो उस मन्नत को लेके मत्था टेको, यहाँ पे दर्शन करो। इस मंदिर से मत्था टेक के अब हम आ गए हैं घाट पे बच्चों को नहलाने के लिए। तो गाइस हम बाहर घूम के आ चुके हैं और अभी सारे रेस्ट कर रहे हैं और फिर एक दो घंटे आराम करके फिर निकलेंगे हम बेल पड़ाव के लिए, गांव के लिए। बाकी देखते हैं बाकी क्या होता है, क्या नहीं, प्रोग्राम का कुछ नहीं पता रहता है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस शाम हो गई है, 6:30 बज गए और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं हरिद्वार से। अब देखते हैं ब्रेक कहाँ लगता है हमारा। मौसम भी अच्छा हो चुका है, हवा चल रही है अभी तो। जा रहे हैं अब, हम जा रहे हैं, दादू यहीं रुकेंगे, अभी खेलने में भी आधा ध्यान है इसको। एक हमको शर्म आ गई। तो अब जा रहे हैं और पापा वहाँ सबसे ऊपर रहते हैं। चलो तो गाइस देखो यहाँ पे कितने सारे बंदर घूम रहे हैं, देखो अंदर हो गया, अंदर थोड़ा सा शीशा, नहीं नहीं चले, देखो बंदर को कितनी समझ है, गाड़ी आ रही थी और चल बोला उधर चला गया। ओए इधर जा। तो गाइस अभी रुके हम रास्ते पे चाय पीने के लिए, सैम चाय पे भी इसका फोन चालू है।